और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और धूप आजकल एकदम जल्दी लग जाती है, तो अभी ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं काले वाले अंगूर। ये सब मैं तो खा चुका हूँ। ये देखिए, अर्बन मैंने कम्प्लीट कर दिए हैं। क्योंकि पता क्या था, जो ये ब्लैक वाले अंगूर होते हैं ना, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। आप इसी गए मेरा प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, और आयरन ज्यादा हो तो ब्लड बनता है, मतलब कि बढ़ता है खून, तो आयरन वाली चीजें खाने चाहिए। और कल इनका ना, कल से इनके एग्जाम स्टार्ट है ऑनलाइन, और आज ये पूरा दिन पढ़ाई करेंगे। मिट्टू का है कल मैथ का पेपर, और शानवी का है ईवीएस का, और मिट्टू को टेबल लर्न करने पड़ेंगे 2 से लेकर 8 तक, और टेंथ तक और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के सम आज करने पड़ेंगे, ठीक है? कल सुबह पेपर देने पड़ेगा यहाँ बैठ के ऑनलाइन। शानू जल्दी खाओ यार, जल्दी करो। देखो ये खाती नहीं, देखो इसको अपना अपना सबको अलग अलग दिया हमें कटोरी में ना। और ये देखो शानू बेटे, देख ले, ऐसे नहीं करते शानू बेटे, तो इसका फायदा उठाती है। जल्दी खाओ, जल्दी करो मेरे मुंह में, बस खा लो जल्दी करो जल्दी। इसके दांत, चलो आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। ये खा रहे हैं खाना, राजमा चावल। चलो मिट्टू से पूछते हैं, मिट्टू राजमा चावल किसने बनाया ये? अरे मम्मा ने कहाँ बनाए बेटे, राजमा तो मैंने बनाए। मम्मा तो आपको पढ़ा रही थी, कल आपका पेपर है ना। अपने शानवी से पूछ ली, शानवी राजमा किसने बनाए? मम्मी मम्मा ने। बेटे आज मम्मा की तरफ ही हो गए सारे ना, ठीक है? मैंने बॉइल करने के लिए डाले थे ना, तो इन्होंने देखा था मुझे बॉइल करने के लिए जब मैं डाल रही थी, तो इनको लगा कि भी मैंने ही बनाए हैं। पर तड़का तो मैंने लगाया है ना। हाँ जी, पर तड़का आपने लगाया है, और राजमा भी बहुत टेस्टी बने हैं। अरे साथ में लस्सी, ये लस्सी लस्सी भी खा रहे हो? लस्सी ये जो भाई पापा ने भेजी है, साथ में बरूनी भी भेजी है, उसकी रेसिपी शाम को मतलब अभी बनाई नहीं हमने ना, अभी बनाएंगे लंच में। क्या हो रहा है एक्चुअली? आज हमें पता नहीं है पूरा दिन क्या होने वाला है, लंच कब हो रहा है, ब्रेकफास्ट कब हो रहा है, क्योंकि पेपर है इनका, आज बिल्कुल खिसकने नहीं दे रहे हैं। जब थोड़ी थोड़ी ब्रेक मिल रही है ना बीच में, तो कुछ खा पी रहे हैं, तो अभी ताकि एनर्जी आ जाए इसको। तो अभी की ब्रेक में कल खत्म होंगे, कल स्टार्ट होंगे ऑनलाइन पेपर होंगे, कल स्टार्ट, ठीक है? जल्दी कर लो पढ़ाई, स्टार्ट हुए कल से। और कल वैसे मिट्टू का मैथ का पेपर है, और शानवी का ईवीएस का पेपर है। मिट्टू को वैसे टेबल याद हो गए हैं, अभी याद करवाते हैं। चलो आप भी खा लो खाना। तो अभी हम आए हैं जी, मृदुल और शानवी चले गए हैं खेलने, क्योंकि उनको ब्रेक दिया गया है, और यहाँ पर जी हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें ना बहुत ज्यादा खड़ हो गया, खड़ मतलब कि क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट हो गए हैं। पहले मैं डैडी कर देते थे, लेकिन थोड़े अब देखो इतना बढ़ गया है, हम अब करने करते नहीं है, मतलब देखो डैडी जी की जिम्मेवारियों को उठा नहीं रहे हैं ढंग से, तो बस ये आज सजा मिली है हमें कि आज हम पूरा जब तक शानू मिट्टू खेल के आएंगे ना, तक तब तक हम दोनों चलो ठीक है। अभी आप बोलोगे कि तू तो भी वीडियो ही बना रही है, कर नहीं रही है, तो मैं हाँ नहीं नहीं मैं तो भी हाँ, और ऐसी जिम्मेवारी कोई भी जो डैडी जी की जिम्मेवारी है उनको तो हम देखो ये इतने बड़े बड़े मूंगरे हैं, ये देखो बड़े बड़े वैरायटी के हाइब्रिड ब्रेड वाले हो वही है, और ज्यादा कुछ लगा नहीं है बस, पर एक वो प्लांट ना, इसकी हम बहुत केयर करते हैं, इसमें खाद भी डाली है पतिदेव ने 2-3 दिन पहले ही। ये खजूर का पेड़ है, और ये डैडीज ने लगाया था अपने हाथों से तो सारे ही पेड़ लगाए हैं, ऐसा नहीं है, पर चलो हम भी देते थे साथ, लेकिन ये डैडी जी ने उस दिन पता नहीं क्या किया बना था, डैड रहा एकदम है मूड बना, बाजार में आए हुए थे ना, बाजार में आए हुए थे, तो डैड ने बातचीत करके ले लिया था वो, बोलो 2-3 साल के बाद लगेंगे, बड़ा हो जाएगा, फिर 5 साल का काफी बड़ा हो जाता है ये। हाँ, तो अब ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि ये भी अच्छे से बड़ा हो जाए, वही ना। तो चलिए अभी मैं बात देना करते हुए अब मैं भी करती हूँ फटाफट काम।
देख सकते हो पूरा काम चल रहा है जोरों पे। और ये थोड़ा मैंने आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये लगे हुए हैं, ये देखो ये साफ पाइप पे लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे हैं कि वाला बड़ा अभी अच्छा लग रहा है, वाला इतना बुरा नजर आता था ये ऊपर से, तो भाई बुरा नजर आता था आपको? हाँ हाँ। बुरा नजर आता था, लेकिन ऐसा नहीं कि भी आ करके यहाँ से थोड़ा सा निकाल ही दें। अब देखो लेडीज को तो इतने सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, घर खाना कपड़े पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, खाना पीना। हाँ, पर जेंट्स लोगों को देखना चाहिए ना ऐसे सराउंडिंग वगैरह कुछ भी। देखो डैडी जी कितनी ईमानदारी से हर बार खुद बोलो अपने मुँह से कौन इसको उखाड़ता था, इसको उखाड़ते डैडी जी। और जब मतलब कि कुछ बिजनेस होता था ना तब हम सब साथ में करते थे, अदरवाइज जैसे खड़ वगैरह तो डैडी वो तो हमेशा वही निकालते थे। अब देखो साफ साफ लग रही है ना, अब लग रहा है ना अच्छा आपको, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखते हैं अभी दोबारा और सफाई होगी। ये देखो बहुत गंद लगा हुआ था, ये वेरी गुड, करो 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 करो, वही ना काम करना चाहिए ना यार, क्या फायदा काम नहीं करेंगे तो फिर जी। और चलो अभी आपको एक नई सब्जी दिखाते हैं, और जो बना रही है वंदना अभी उसको प्रिपेयर कर रही है, बना रही हूं, बनाने वाली है, छान रही हूं उसको। ये देखो कुछ मतलब जैसे पत्तों पे कुछ हो सकता है या फिर जो नहीं, यहाँ पे ना धूप पड़ रही है तो इसलिए दिखाओ थोड़ा सा। ये है वही सब्जी, ये देखिए इसको हम बोलते हैं लोकल में भ्रूणी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, और इसमें ना आयरन काफी हाई क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा भी मतलब अगर किसी को एलर्जी वगैरह हो तो उस चीज के लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है। तो इस तरह की अभी बहुत बहुत ज्यादा छोटी छोटी है, तो कईयों ने खाना स्टार्ट कर दी है और मेरे को ये भेजी है मम्मी ने, तो इन्होंने ना ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते थे कुमड़ू जिनको बोलते हैं हम लोकल में, तो वो भी भेजे हैं साथ में, और मैं इनको छान रही थी क्योंकि हम थोड़े से ही हैं और फिर जो सख्त हो गए हैं क्योंकि ये कल की आई हुई है और हम बना रहे हैं इसको आज। तो और एक बात और पूछ लेता हूँ उससे, थोड़ा इसको खींच देता हूँ ना, ये लगती कहाँ पे वैसे? ये लगती है जी पेड़ पे, लगती है कौन से पेड़ में इसके? और पेड़ का नाम बताओगे? हाँ बता रही हूँ ना, हम तो लोकल में बोलते हैं खसरा इसको ना, और ऐसे इसको बोलते हैं, ठहरो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, अंजीर। अंजीर शाबाश शाबाश। नहीं आपने, मैंने तो बताया था थोड़ी देर पहले इसको। आपने कब बताना थोड़ी देर पहले? अभी सब्जी मैंने अभी निकाली थी, कोई ऐसी मजाक करते हैं, फिर अगर मैं इनको कुछ बोलूं तो फिर भोले वाले बन के देखो आपकी वो कर लेते हैं, मतलब आप भी इनकी साइड ले लेते हो, तो चलो। तो यार अब अपनी हाँ। फैमिली या अपने बेटे का साथ नहीं देंगे तो और किसका देंगे, समझ सकते हो आप, सही चीज में तो देना चाहिए ना। अच्छा, तो मैं क्या हो गई, मतलब मैं पराई हो गई? नहीं पराई नहीं हुई, मतलब जो भाई लगता है इनको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ वैसे मैं बुरा नहीं मानती कोई कुछ भी बोलता रहे, और दूसरी बात की सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो हम उसका कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हम मतलब एक दूसरे को कितना कर समझते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। और टचवुड मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, और ये इसी तरह से मेरे साथ भी मजाक करते रहते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं और मैं भी इनके साथ उसी हिसाब से मजाक करती रहती हूँ, मतलब कुल मिलाकर के हम एक फ्रेंडली रिलेशन में रहते हैं दोनों ही। और चलो पूछ लेते हैं इसको बनाएगा कौन आज? मैं बताऊँ ना तो पतिदेव ने इतनी टेस्टी सब्जी बनाते हैं, राजमा मतलब इतने कमाल के बनाए थे उन्होंने कि अपनी तारीफ सुनने के लिए बड़े भर बेताब रहते हैं। यार पता क्या होता है, अगर मैं उसके अंदर थोड़ी मिर्च ज्यादा डाल दूँ ना, ठीक है, या कुछ अच्छे ढंग से बन जाती है, तो ये बोलती है कि यार उसके मसाले बहुत ज्यादा डाले होंगे। यार मसालों से नहीं बनती है, उसका हर चीज का एक टाइम होता है कि यहाँ किस टाइम प्याज डालना है, किस टाइम टमाटर डालने हैं, और कितनी देर उन टमाटरों को पिघलाना है, ठीक है। और इसको ज्यादा मसाले तो ये खाती है, मिर्च वाला खाना ये खाते हैं, और ये जो खाना बनाती है ना मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, मैं तो दो तीन तीन बार खाता हूँ, और जब मैं बनाता हूँ ना वो तो बेचारी एक बार ही खाती है, ये पता नहीं, और मैं उसको तीन चार बार खा लेता हूँ। मैं बोलती हूँ ना मतलब देखो ना, अब जरूरी थोड़ी अभी एक नहीं खानी है, सबने खानी है ना, तो आप खुद अपने हाथों से बनाइए, मुझे थोड़ी सी रेस्ट भी मिल जाएगी, और दूसरी बात की उतनी देर में मतलब अपने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि आजकल बच्चों के चले हैं एग्जाम, तो वहां पे मैं उतना टाइम दे नहीं पा रही हूं, और अगर ये सब्जी बनाने का कष्ट करेंगे तो सब्जी मतलब ये बड़े चाव से खाएंगे, ऐसे मेरे बनाने। चलो मैं बना देता हूँ यार, क्योंकि खानी तो सबने है ना। नहीं जैसे मिट्टू और शानवी है ना, वो देखते हैं यार मिर्ची बहुत ज्यादा, मैं उनको बोलते हैं मिर्ची मैंने इतनी ज्यादा डाली नहीं है, मैंने कहा जब तुम कुरकुरे और वो खाते हो तब, पापा वो तो अलग चीज है वो, और
उसके लास्ट में जब बोलते हैं, मैं पूछता हूँ किसने बनाई है, तो मम्मा ने बनाई है भाई वो। मैंने चला आज मम्मा की हेल्प ही कर देते हैं। नहीं अभी इसको क्या करेंगे ना हम लोग, बॉइल के लिए डाल देंगे। अच्छा बॉइल करनी पड़नी है। हाँ बॉइल करनी पड़ेगी, तो ये ऐसे कैसे बनाएंगे? फिर बॉइल करके इसका पानी निकाल देंगे, निचोड़ देंगे सारा। हाँ। और फिर ये सब्जी ऐसे ना, मतलब जो ये सब्जियां होती हैं अपनी लोकल वाली, पेड़ों पे निकाल के लाते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जंगली सब्जी है, तो उसका मतलब हमें अच्छी तरह से बॉइल करके ही कुक करनी पड़ती है। कईयों को एलर्जी हो सकती है या फिर कुछ भी, और ये गर्म तस्वीर की होती है, तो इसको मतलब इसको लस्सी या दही के साथ बनाना पड़ेगा। चलो आपको आपके साथ रेसिपी शेयर करता हूँ मैं। चलो मतलब आप अपने हाथों से बना, मैं बनाऊंगा यार अपने फैमिली के लिए, तो सब कुछ हाजिर है। वेरी गुड, धन्यवाद। चलो ठीक है, मिलते हैं इसके बाद बनाने के बाद में। और ये भरूनी की सब्जी ना मैंने बॉइल कर ली है, अब थोड़ी देर इसको ठंडा होने दूंगा ना, फिर जो ये भरूनी है उसको मतलब पानी साइड कर दूंगा और इसको निचोड़ूंगा और साइड में रख के तड़का लगाऊंगा। मैं दिखाता हूँ आगे आपको, और मैं ये आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हो गई है, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखो ये देख सकते हो। अब मैं इसको ऐसे करके ये निचोड़ूंगा इसको ये, और फिर उसके बाद लगाऊंगा तड़का, पानी सारा बाहर निकाल दूंगा। और ये इसके मैंने पानी निकाल दिया है, अब मैं इसको निचोड़ूंगा, जो निचोड़ के फिर उसके बाद मैं थोड़ी गर्म है ये अभी, तो ये देखो ये जो होगी ना ये, तो इसको मैं अब ये साइड में रख दूंगा ये, तो उसके ये पूरी निकालने के बाद फिर मैं इसको लगाऊंगा तड़का। ये देखो ये ऐसे करके ये जो पानी है ये। आज पतिदेव बना देंगे मतलब सब्जी, और मैंने सोचा तब तक मैं अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर ऐसे ना मेरे को एक्स्ट्रा ढूंढना पड़ता था किचन में, ये लोग सब चल जाते थे खा पी के, तो थोड़ा सा मक्खन था वो मैंने लगाया पहले, तो उसी का बस मटका ये धो रही हूँ मैं, बाकी थोड़े से दिन के बर्तन वगैरह वो सारे पड़े हैं अभी, बस ये सारे साफ करके। ये क्या कर रहे हो वंदना? ये मैंने ना मक्खन लगाया था अभी, उसको घी बना रही हूँ, और साथ में इसमें डाल रही हूँ ये मेथी दाना, ये थोड़ा पिसा हुआ है वो मैंने इसमें डाल दिया। ये क्यों डालते हैं वैसे? एक तो घी दरदरा बनेगा, दूसरा बहुत दिनों तक चलेगा, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे मेथी के डालने से, और काफी दिनों तक चलता है। अगर आजकल तो वैसे भी गर्मी आ रही है, तो गर्मियों के टाइम में मतलब काफी दिनों तक चलेगा, खुशबूदार रहेगा, दरदरा दानेदार होगा, तो इसलिए इसको मेथी को ऐड करूंगी किया मैंने। और ये मैंने ना थोड़ा खुला वाला बर्तन, चौड़ा वाला बर्तन मैं डालती हूँ ना मैं, ताकि मतलब बार बार इसको देखने की जरूरत ना पड़े, चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ना बाहर को निकलता रहता है। तो बस अभी गैस को एकदम लो फ्लेम पे मैंने कर दिया, बस इसको छोड़ दूंगी, अपना काम करती रहूंगी किचन में, और ये मतलब बनता रहेगा। फिर जैसे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, और उसके बाद मैं सब्जी बनाने लग जाऊंगा भरूनी की, ये है ना? हाँ जी हाँ जी। और ये देखो सब्जी भी मैंने निचोड़ करके रख दी है, तो ये टास्क तो भी इन्होंने लिया है, तो इसलिए मैं तो इसको बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये अपने आप बनाए। बस मैं भी थोड़ा मार्केट जाके आता हूँ ना, ये देखो छोड़ के जा रहे हैं अभी, गारंटी भी है। नहीं नहीं, वो शीट लेके आने, कल शानू का पेपर है ना, शीट लेके आएंगे। चलो ठीक है फिर। चलो जी। इसके बाद जैसा मैंने को बताया था कि मृदुल और शानवी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो फिर हम आ गए और ये लोग भी आ गए थे खेल खाल के। थोड़ी सी देर ब्रेक भी ज़रूरी होता है बच्चों को, नहीं तो वो बोर हो जाते हैं। फिर दोबारा से मैं लग गई उनको पढ़ाने, और पापा के साथ वो जिद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा टाइम मैं ही उन्हें दे पाती हूँ। और बस फिर और कुछ भी फिर रिकॉर्ड नहीं किया था उनको पढ़ाना वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बॉदरेशन चली होती है, एक बोलता है ये मैं नहीं करूँगा, ये दूसरा बोलेगा मैं नहीं करूँगा, तो फिर बड़ा मशक्क़त चली होती है। मतलब वहाँ पे तो ज़रूरी होता है कि उनको कंट्रोल करें अच्छे से, और बस बैठे रहें थोड़ी देर चैन से। तो बस फिर इसके बाद ये शाम की क्लीनिंग रूटीन यहाँ पे चली हुई थी। अभी मैं बता देता हूँ, देखो गाड़ियाँ आ रही है, नीचे था ट्रायल उपलोग में, तो अभी रात को फिनिश हुआ है, ये देख सकते हो गाड़ियाँ हैं, और रात तक चला है ट्रायल, बहुत अच्छा लगा कि रात तक काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो। और इस लिहाज रोड बहुत बिजी था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था हमारे लिंक रोड में, वो पीछे तक बता देता हूँ, पीछे तक आ रही हैं गाड़ियाँ, ये देख सकते हो। लस्सी डालूंगा, और ये लस्सी आई है मेरे ससुराल से, तो लस्सी के साथ काफी अच्छा टेस्ट होता है इसका। और लस्सी के साथ मैं एक चीज और डालूंगा, मतलब 10-15 मिनट पहले, ये है राई पाउडर, ये इतना सा
डाल लो आप, और इसके ऊपर ढक्कन रखूंगा मैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये ऐसे ऐसे करके दे, इसमें क्या हो गया, ये बिना चम्मच के ही, बिना चम्मच के लाओ ना इसको, और बस इसके ढक्कन रख दो। कंजूसियत कर रहे हैं कि बीबी को ज्यादा बर्तन साफ न करने पड़ जाए। वही बात है यार, देखिए मतलब कितना ख्याल रखते हैं ये अपनी बीबी का, वही रखना पड़ता है ना भाइयों। मैं तो बोल रही हूँ भगवान सबको ऐसे तड़का लगा दिया है, तड़का लगाऊंगा इसमें, टमाटर नहीं डालूंगा, बिना टमाटर का तड़का लगेगा आज। और तेल काफी ज्यादा गर्म हो गया है, और ये मैंने इसके बाद जीरा डाल दिया है, ये जीरे को थोड़ा भूनने दूंगा, फिर उसके बाद मैं डालूंगा प्याज। प्याज मैंने थोड़े छोटे काटे हैं, थोड़े बड़े काटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अभी ये मेरा प्याज ना हो गया है, ब्राउन हो गया है, अब इसके बाद में हल्दी है, और जो भी मसाले हैं ये मैंने हल्दी डाल दी है, और ये देगी मिर्च है, ठीक है, देगी मिर्च के बाद ये मिक्स मसाला है ये, ठीक है, ये काली मिर्च डाल दी मैंने, उसके बाद ये मैं नमक डाल दूंगा, ठीक है, उसके बाद ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये सब मैंने ये डाल दिए हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं इसको गर्म, मतलब कि जो मसाले हैं थोड़ा पकने दूंगा, मतलब 10-15 सेकंड, एक मिनट तक, क्योंकि उसके बाद ही अब मैं जो रोनी है वो डालूंगा। और मैं टमाटर नहीं डाल रहा हूँ, तो उसके बदले मैं ये आंवला डाल रहा हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बस अब ये हो गया, अब इसके बाद मैं भरूनी डाल दूँगा, जो ये है ये देखिए, और ये पूरी मैंने, और ये अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, जो मसाले हैं मेरे वो इसके साथ अच्छे ढंग से मिक्स हो जाएंगे, जो मैंने ग्रेवी बनाई हुई है ना प्याज और मसालों की, थोड़ी सी देर 2-3 मिनट में इसको ऐसे रखूँगा, उसके बाद मैं लास्ट में डालूँगा लस्सी, जो कि मैंने ऑलरेडी साइड में रखी हुई है, और ये बन गई है। अब मैं लस्सी इसके अंदर ऐड करूँगा, अगर लस्सी ऐड नहीं करनी है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन ये काफ़ी गर्म होती है, तो मैं लस्सी डाल रहा हूँ। गैस बंद करने के बाद फिर इसमें दही या लस्सी जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हो। और इस वाले क्लिप में ना पतिदेव आवाज़ डालना भूल गए थे, तो बस फिर ओवर वॉइस पे। और ये सब्जी मैंने बना दी है, ब्रोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, और ये आप बना रही है वंदना फुलके। मतलब ये ना आज बहुत बार बोलेंगे कि मैंने सब्जी बनाई है, मैंने नहीं, राजमा भी मैंने बनाए थे सुबह, यार क्या बात कर रही है। वही ना, मतलब आज पूरा दिन भर राजमा भी इन्होंने बनाए, ब्रेकफास्ट में हमने वैसे भी वो फ्रूट्स ही खाए थे, तो लंच की सब्जी भी इन्होंने ही बनाई, डिनर की सब्जी भी इन्होंने ही बनाई, तो अब ये मुझे बहुत बार उसे सुनाते रहेंगे कि मैंने आज ये किया है, ये किया है, तो चलिए अब किया है तो सुनाना तो पड़ेगा। बस मेरे लिए 5 पाती है बनाना, ज्यादा नहीं, ज्यादा खांदा नहीं आता। तो अपने हाथों से बनाई है सब्जी, तो सब्जी बनाई है तो फिर क्या हो गया, भूख भी लगनी चाहिए ना। तो तब तो मतलब ऐसा है कि भाई अपने हाथों में ज्यादा स्वाद होता है, तो 5 की जगह मैं तो बोली आज आपको 10 खानी चाहिए। 10 तो आज तक नहीं खाई मैंने यार। कोई बात नहीं, खा ली तो आज खा लो। चलो खा लेंगे, बना ले तुम, पर ये है कि वेस्ट नहीं करनी ना। वेस्ट तो